तीन भुवन में वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै जय जिनेन्द्र छेड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा चल रही है, उसी चर्चा को मंगलाचरण करके आगे बढ़ाएंगे। णमोरियंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम णमो वज्झायाणम णमो लोए सव साउणम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। मुनिराज के 28 मूल गुणों के अंतर्गत अब तक हमने 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय जय का स्वरूप समझा। आज हम 6 आवश्यक और 7 शेष गुणों को समझेंगे। क्या है वे 6 आवश्यक जो प्रत्येक मुनिराज अवश्य करते हैं? किसे कहते हैं आवश्यक? तो आवश्यक शब्द के अर्थ है जो वश में नहीं है वह अवश्य, अर्थात जो इंद्रियों के वश में नहीं है उसे कहते हैं अवश्य, और अवश्य का जो कार्य है उसका नाम है आवश्यक, अथवा अवश्य करने योग्य कार्य को भी आवश्यक कहा जाता है। मुनिराज इन आवश्यकों में कमी नहीं होने देते, अर्थात मुनिराज इन आवश्यकों को अवश्य करते हैं, इसीलिए इनका नाम है आवश्यक। मुनिराज योग्य काल में इन आवश्यकों को करते हैं और इन आवश्यकों में किसी प्रकार की कोई ढील अथवा कमी नहीं आने देते, इसलिए मुनिराज के जो कर्म हैं, मुनिराज के जो कार्य है अवश्य करने योग्य, उन्हीं को हम आवश्यक कहते हैं। क्या है ये आवश्यक, कितने प्रकार के आवश्यक हैं? तो आइए हम दौलत राम जी के शब्दों में देखते हैं क्या है इन आवश्यकों के नाम। समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को नित्य श्रुति रति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को जिनके नन्यो नन दंत धोवन लेश अंबर आवरण भूमाहि पिछली रयनी में कछु सयन एका सन करन। भावार्थ। वे मुनि नित्य सामायिक करते हैं, अर्थात सब जीवों में समता भाव रखते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, जिनेंद्र देव की वंदना करते हैं, सदा स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और शरीर से ममत्व भाव छोड़कर कायोत्सर करते हैं। यह 6 आवश्यक कहलाते हैं। वे मुनि स्नान नहीं करते, ना मंजन करते हैं, जरा सा भी वस्त्र शरीर पर नहीं ढकते हैं, रात्रि में भूमि पर एक आसन में थोड़ी सी नींद लेते हैं। समता समारे, पहला आवश्यक है समता। थुति उचारे, दूसरा आवश्यक है स्तवन। वंदना जिन देव की, तीसरे आवश्यक का नाम है वंदना। नित्य श्रुति रति करे, चौथे आवश्यक का नाम है श्रुति में रति अर्थात स्वाध्याय। मूलाचार में स्वाध्याय के स्थान पर प्रत्याख्यान आवश्यक कहा गया है। करे प्रतिक्रम, पांचवा आवश्यक है प्रतिक्रमण। तजे तन अहमेव को, अर्थात
व्युत्सर्ग, इस प्रकार से ये छह आवश्यक कहे गए हैं। एक बार पुनः इन छह आवश्यकों के नाम दोहरा दें, समता, स्तवन, वंदना, स्वाध्याय अथवा प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। ये छह आवश्यक मुनि जीवन में प्रतिदिन करने योग्य होते हैं, अर्थात मुनिराज प्रतिदिन इन छह आवश्यकों को अवश्य करते हैं। इसी प्रकार गृहस्थी के भी छह आवश्यक कहे गए हैं, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तप दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये गृहस्थ के छह आवश्यक कहे गए हैं। उसी प्रकार मुनिराज के छह आवश्यक है, समता, स्तुति, वंदना, कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण और स्वाध्याय अथवा प्रत्याख्यान। अब एक एक का स्वरूप हम समझते हैं। समता संभाले, अर्थात मुनिराज समता को संभालते हैं। समता संभालते हैं अर्थात वे साम्य भाव में रहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव के निमित्त से वस्तुओं में राग द्वेष नहीं करते। द्रव्य अर्थात अनेक प्रकार की सामग्री होती है, अनेक प्रकार के सचित्त चित्त द्रव्य होते हैं, महल होते हैं, शमशान होते हैं, उसी प्रकार से शत्रु मित्र होते हैं और भी अनेक प्रकार के सचित्त और अचित्त अनेक प्रकार के द्रव्य होते हैं। उन द्रव्यों में मुनिराज राग द्वेष नहीं करते। यद्यपि इसका वर्णन अभी आगे दौलत राम जी स्वयं करने वाले हैं, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समताधरण, आगे इनकी चर्चा हम करेंगे। तो मुनिराज किसी में राग द्वेष नहीं करते, सोने और कांच में एक सरी का समता भाव रखते हैं, महल में और शमशान में एक सरी का भाव रखते हैं, इसी का नाम है समता। समता संभारे, मुनिराज क्षेत्र में राग द्वेष नहीं करते, किसी काल में राग द्वेष नहीं करते, अर्थात क्षेत्र के निमित्त से कोई अच्छे क्षेत्र में राग नहीं करते, खोटे क्षेत्र में द्वेष नहीं करते। किसी काल में अथवा जैसे कोई गर्मी है तो गर्मी के दिनों में राग और ठंड के दिनों में द्वेष हो, अथवा ठंडी में राग गर्मी में द्वेष, इस प्रकार काल में राग द्वेष नहीं करते। उसी प्रकार भावों में भी राग द्वेष रूप परिणति नहीं करते, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से राग द्वेष नहीं करने का नाम है समता आवश्यक। दूसरे आवश्यक का नाम है स्तवन, अर्थात चतुर्विंशति तीर्थंकरों का जो स्तवन किया जाता है, उनकी जो स्तुति की जाती है, उसी का नाम है स्तवन। मुनिराज अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं और भक्ति आदि के माध्यम से 24 तीर्थंकरों का स्तवन करते हैं। नाम निरुक्ति पूर्वक, अर्थात 24 तीर्थंकरों के जो नाम हैं उन नामों का निरुक्ति पूर्वक अर्थ करके उनका स्तवन करना, उनके गुणों का स्तवन करना, उनके पंच कल्याणकों का अथवा और भी अनेक प्रकार से उनके जीवन चरित्र का एवं उनके गुणों का स्तवन करने पूर्वक उन जो 2400 तीर्थंकरों का स्तवन किया जाता है, उसी को हम कहते हैं स्तवन आवश्यक। 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके निरुक्ति पूर्वक गुणों का स्तवन 2400 का 24 तीर्थंकर स्तवन है, और 24 तीर्थंकर में से किसी एक तीर्थंकर का अवलंबन लेकर जो स्तुति की जाती है उसे हम कहते हैं वंदना आवश्यक। वंदना में हम अनेक प्रकार से किसी एक महापुरुष की, किसी एक तीर्थंकर का अवलंबन लेकर उनके गुणों का स्मरण करते हैं। यहाँ तक कि वंदना में जो श्रुत की अपेक्षा जो बड़े हैं, जो तप की अपेक्षा बड़े हैं, जो दीक्षा में बड़े हैं, जो गुणों में बड़े हैं, उनकी भी स्तुति की जाती है। अनंत और सिद्ध भगवान के अंदर अनेक प्रकार से उनके गुणों का स्मरण करते पूर्वक उनकी स्तुति आदि की जाती है। तो ये जो अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी की स्तवन है, एक किसी का स्मरण करना, उसी का नाम है वंदना। और क्या क्या है वंदना की विशेषता, इसको हमें अल्प विराम के बाद समझ। जय जिनेन्द्र छहडाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है।
छह आवश्यकों की चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें हमने वंदना आवश्यक की चर्चा प्रारंभ की थी। वंदना में कहा था कि चतुर्विंशति तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर का स्तवन करना वो वंदना है, अथवा अनंत ओर से दो का स्तवन करना, अथवा गुणों में अधिक का स्तवन करना, ये समस्त प्रकार का स्तुति वंदना आवश्यक कही जाती है। इसके अलावा अगला जो आवश्यक है उसका नाम है श्रुत रति। श्रुत में प्रेम करना, श्रुत में रति करना अथवा स्वाध्याय करना, दौलत राम जी ने स्वाध्याय को चौथे आवश्यक में गिनाया है। यद्यपि कुंदकुंदाचार्य देव और मूलाचार ग्रंथ के अंतर्गत प्रत्याख्यान को आवश्यक में लिया है। क्या है ये स्वाध्याय? तो स्वाध्याय है जिनवाणी का अभ्यास करना, जिनवाणी का पठन पाठन करना। इसके पांच भेद है, स्वयं पढ़ना और पढ़ के जितना बुद्धिपूर्वक अर्थ निकल सकता है उतना अर्थ निकालना, और जो अर्थ समझ में न आए उसको किसी गुरु अथवा किसी ज्ञानी से पूछना, यह प्रचना नाम का स्वाध्याय। उसके बाद में जो हमने सुना हो, जो हमने गुरु से प्रश्न पूछ के उत्तर पाया हो, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, वह अनुप्रेक्षा। और अनुप्रेक्षा चिंतन मनन करके जो विषय निर्णित हो गया है उसका बारंबार पाठ करना, उसे याद करना, वह आमना है स्वाध्याय। और जब किसी विषय पर पूरा अधिकार हो जाए तब उसका अन्य के लिए धर्मोपदेश करना, वह धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। इस प्रकार ये स्वाध्याय के पांच भेद हैं। तो मुनिराज ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, यही कारण है कि वे अपने दिन का बहुत सा भाग स्वाध्याय आवश्यक में बिताते हैं। प्रातःकाल अपनी योग्य आवश्यक क्रियाओं को करके फिर उसके बाद वे स्वाध्याय करते हैं। भोजन की बेला के कुछ समय पहले तक उनका स्वाध्याय होता है, भोजन के बाद सामायिक आदि के बाद फिर वे स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, और सायंकाल की सामायिक के पहले तक स्वाध्याय करते हैं, पुनः सायंकाल की सामायिक के बाद पुनः वे स्वाध्याय करते हैं, और रात्रि की मध्य रात्रि के पहले काल तक अर्थात सामायिक के पहले काल तक उनका स्वाध्याय होता है। इस प्रकार मुनिराज का बहुत सा काल सामायिक आवश्यक में बीतता है, ये मुनिराज का एक आवश्यक मूल गुण कहा है। लोक में भी कहा जाता है कि बिना ज्ञान के व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार बिना आगम ज्ञान के, बिना स्वाध्याय के वास्तव में अंतरंग विशुद्धि आना बहुत ही कठिन काम है। यही कारण है कि मुनिराज अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए और अपने चित्त की निर्मलता के लिए अपने उपयोग को सदा स्वाध्याय में लगाए रहते हैं। स्वाध्याय से ही हे उपादेय का, करने नहीं करने का, योग्य अयोग्य का, तत्व तत्व का, देवशास गुरु का निर्णय होता है। स्वपर भेद विज्ञान स्वाध्याय आदि के द्वारा होता है, यही कारण है कि स्वाध्याय मुनिराज का एक आवश्यक माना गया है। अगला मूल गुण है प्रतिक्रमण। क्या है प्रतिक्रमण? तो प्रतिक्रमण अतिक्रमण कहते हैं अपनी सीमा को उल्लंघना और अन्य की सीमा में प्रवेश करना, वह अतिक्रमण। जैसे अनेक लोग रोड पर अतिक्रमण करते हैं अर्थात अपनी सीमा को उल्लंघ कर सरकारी सीमा के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, तो अन्य की सीमा में प्रवेश करना है अतिक्रमण। और प्रतिक्रमण कहते हैं कि वापस अपनी सीमा में आ जाना, अर्थात जो दोष लगे हैं उन दोषों का शोधन करना ही है प्रतिक्रमण। आलोचना पूर्वक जो अपने दोषों की शुद्धि की जाती है उन्हीं को प्रतिक्रमण कहते हैं। मुनिराज आचार्य परमेष्ठी के समक्ष जाकर अपने दोषों का निवेदन करते हैं और आचार्य परमेष्ठी उन्हें उन दोषों की शुद्धि के लिए जो दंड देते हैं उस दंड को मुनिराज ग्रहण करते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रतिक्रमण। अथवा अपनी निंदा और ग्रह पूर्वक जो दोषों का शोधन किया जाता है उन सबको भी प्रतिक्रमण कहा जाता है। निंदा और ग्रह में इतना अंतर है कि निंदा आत्मसाक्षी पूर्वक की जाती है और ग्रह गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन किया जाता है। तो निंदा और ग्रह पूर्वक जो दोषों का निवेदन करने के बाद में जो चित्त की विशुद्धि हो जाती है, चित्त की विशुद्धि के लिए जो दंड आदि लिया जाता है उन सबको हम प्रतिक्रमण कहते हैं। प्रतिक्रमण छह प्रकार का होता है।
नाम प्रतिक्रमण, स्थापना प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण, क्षेत्र प्रतिक्रमण, काल प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण अथवा अन्य भी अनेक प्रकार से प्रतिक्रमण किया जाता है। नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रतिक्रमण में यही है कि नाम अथवा शुभाशुभ नाम में जो रागद्वेष रूप प्रवृत्ति हुई, स्थापना में किसी प्रकार का दोष लगा हो, किसी स्थापना में सचित अचित स्थापना में रागद्वेष किए हों अथवा किसी क्षेत्र में रागद्वेष के वशीभूत कोई दोष लगाए हों, किसी काल और भाव के निमित्त से जो कोई दोष लगे हों, तो उन दोषों की शुद्धि के लिए जो प्रतिक्रमण किया जाता है उसे हम इन छह प्रकार का प्रतिक्रमण कहते हैं। अन्य भी जो प्रतिक्रमण के भेद कहे हैं वे सात प्रकार के कहे हैं, देवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, इरियापथिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण और उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। दिन में लगे हुए दोषों का शोधन करना देवसिक प्रतिक्रमण है, रात्रि में लगे हुए दोषों का शोधन करना रात्रिक प्रतिक्रमण है, इरियापथ अर्थात मार्ग में चलते हुए दोषों का, मार्ग में जो गमन किया उसमें किसी जीव की विराधना हुई तो उसमें जो दोष लगे उन दोषों का शोधन करना वह इरियापथिक प्रतिक्रमण। उसी प्रकार पक्ष में जो दोष लगते हैं तो पक्ष में लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण करना वह पाक्षिक प्रतिक्रमण। चार मास में जब मुनिराज एक स्थान पर चातुर्मास करते हैं, उस चातुर्मास के दौरान जो कोई भी दोष लगते हैं उन दोषों के शोधन के लिए मुनिराज चार मास पश्चात जो प्रतिक्रमण धारण करते हैं उसका नाम है चातुर्मासिक प्रतिक्रमण। इसी प्रकार पूरे वर्ष भर के दौरान जो कोई भी दोष लगे हैं उन दोषों की शुद्धि के लिए जो प्रतिक्रमण धारण किया जाता है उसका नाम है सांवत्सरिक प्रतिक्रमण। और एक होता है उत्तमार्थ प्रतिक्रमण जिसमें चारों प्रकार का आहार का त्याग किया जाता है और सब प्रकार के दोषों का जीवन पर्यंत जो लगे हुए दोष है उनका शोधन किया जाता है, उसे हम कहते हैं उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। ऐसे सात प्रकार के प्रतिक्रमणों की चर्चा आगम में आई है। ये प्रतिक्रमण मुनिराज का अवश्य करने योग्य कार्य है, अर्थात मुनिराज दिन में लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण करते हैं, रात्रि में लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण करते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन जो जो भी दोष उनके जीवन में लगते हैं उसका वो शोधन करते जाते हैं। जिस प्रकार से जो गाड़ी होती है वो तुरंत ठीक कर ली जाए तो उसमें अधिक खराबी नहीं आती, उसी प्रकार मुनिराज अपने जीवन में जो यत किंचित दोष लगते हैं उनका पुनः प्रतिक्रमण के द्वारा शोधन कर लेते हैं और उनका जीवन निर्मल बना रहता है। अगले आवश्यक का नाम है कायोत्सर्ग, अर्थात शरीर के प्रति ममता भाव को छोड़ना और अनंत सिद्ध भगवान के गुणों में अपने चित्तों को लगाना, उनकी भक्ति करना, उनके गुणों में अपने मन को लगा देना और शरीर के प्रति समस्त प्रकार का राग छोड़कर शरीर के प्रति ममता छोड़ देना, इसी का नाम है कायोत्सर्ग, अर्थात काय के प्रति ममता छोड़ने को ही कायोत्सर्ग आवश्यक कहा है। इस प्रकार से हमने छह आवश्यकों की चर्चा विस्तार से की। हम चर्चा करेंगे मुनिराज के और कौन कौन से अन्य गुण हैं। जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं, अब तक हमने 21 मूल गुणों की चर्चा की, अब हम चर्चा करेंगे सात शेष अन्य गुणों की। दौलत राम जी के शब्दों में देखते हैं क्या है वे अन्य गुण। जिनके न न्योन न दंत धोवन लेश अंबर आवरण भूमाही पिछली रयन में कछु सयन एका शन करन। जिनके न न्योन अर्थात जिनके नहाना नहीं होता, अस्नान ये मुनिराज का एक मूल गुण है। मुनिराज स्नान नहीं करते, मुनिराज जल में प्रवेश नहीं करते, मुनिराज जल से अपने शरीर को धोते नहीं। मुनिराज का शरीर यद्यपि पसीने से और धूल आदि से पूरा शरीर मेल से लिप्त हो जाता है, तथापि मुनिराज अपने शरीर को धोते नहीं, किसी प्रकार से जल आदि से अथवा किसी प्रकार से शरीर के अंदर उबटन आदि लगा के शरीर का किसी प्रकार का संस्कार नहीं करते।
क्यों नहीं करते मुनिराज स्नान? इसके दो कारण हैं। मुनिराज इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का पालन करते हैं। स्नान न करने से इंद्रिय संयम और प्राणी संयम पलता है। स्नान शरीर को सुंदर बनाने के लिए, उसमें आकर्षकता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मुनिराज शरीर को सुंदर नहीं दिखाना चाहते। मुनिराज को किसी प्रकार से आकर्षकता उत्पन्न नहीं करनी है। मुनिराज वास्तव में शरीर से अत्यंत निर्ममत्तपने की भावना बहाते हैं। मुनिराज तो शरीर के प्रति पूरा का पूरा राग छोड़ देते हैं। यही कारण है कि मुनिराज इस शरीर की रंच मात्र भी शुद्धि नहीं करते, शरीर का रंच मात्र भी संस्कार नहीं करते। इससे उनके इंद्री और मन वश में होता है। इंद्री और मन का जो संयम है, उस संयम की सूचना इस स्नान व्रत से मिलती है। साथ ही यदि स्नान करेंगे तो जीवों की हिंसा अवश्य होगी, क्योंकि स्नान करने में जल की आवश्यकता पड़ेगी। वह जल जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ के जीवों की हिंसा में निमित्त बनेगा, एवं जल के लिए बाल्टी की आवश्यकता पड़ेगी। उस बाल्टी के लिए किसी से याचना करनी पड़ेगी, और बाल्टी कोई चुरा नहीं ले जाए, उसके लिए हमेशा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से अनेक प्रकार के दोष स्नान करने से प्रकट होते हैं, इसलिए मुनिराज अपने शरीर का कभी स्नान नहीं करते। स्नान करने से जो शरीर मलिन भी हो जाता, स्नान न करने से शरीर मलिन भी होता है, तो भी मुनिराज को किसी प्रकार की ग्लानि उत्पन्न नहीं होती। कोई कह सकता है कि इस प्रकार से तो मुनिराज का शरीर अत्यंत यदि मल से लिप्त हो जाएगा तो उनके शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि शरीर के रोम यदि मल से लिप्त हो जाएंगे तो रोगों की संभावना हो सकती है। तो उसका उत्तर यह है कि मुनिराज इतना स्वाभाविक जीवन जीते हैं, ऐसा प्राकृतिक जीवन जीते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता। रोगों के उत्पन्न होने का कारण तो हमारा बार बार नहाना है। अनेक प्रकार के केमिकल्स आदि का उपयोग करने वाले जीव अधिक रोगी होते हैं। जो अपने प्राकृतिक जीवन में जीते हैं वे कभी रोगी नहीं होते, और यही कारण है कि मुनिराज वास्तव में शरीर का किसी प्रकार का स्नान नहीं करते। और वैसे भी जल तो स्वयं ही असंख्यात जीवों की हिंसा का आयतन है। जल हिंसा का आयतन होने से मुनिराज उसको अपने उपयोग में नहाने के लिए नहीं लाते। यदि जल के स्नान से कोई व्यक्ति पवित्र होता तो जितनी मछलियां जल में रहती है, जितने मगरमच्छ जल में रहते हैं, वे सब परम पवित्र हो जाते हैं। लेकिन जल में रहने मात्र से कोई पवित्र नहीं होता। पवित्रता होती है आत्मा के गुणों से, और मुनिराज में शौच गुण है, और मुनिराज उन गुणों से पवित्र है। शरीर की पवित्रता से पवित्रता नहीं होती, आत्मा के गुणों से पवित्रता होती है। और मुनिराज 10 धर्मों के धारक होते हैं, रत्नत्रय के धारक होते हैं। मुनिराज स्वपर दया के धारक होते हैं, यहाँ तक कि मुनिराज एक सूक्ष्म जीव की भी हिंसा नहीं करते। इस प्रकार अनंत गुणों के धारी मुनिराज स्वयं अपने आप में पवित्र होते हैं। उन्हें शरीर की पवित्रता से कोई लेना देना नहीं होता, उनकी आत्मा तो स्वयं अपने आप में पवित्र है। हम 10 लक्षण धर्म की पूजा में पढ़ते भी है, बहु देह मेली सुगुण थैली सोच गुण साधु लहे, अर्थात देह तो मेली है लेकिन यह गुणों की थैली है, और ऐसे सोच गुण को अर्थात पवित्र गुण को मुनिराज धारण करते हैं। गृहस्थ जो बार बार नहाता है उसके शुचिता नहीं होती, और मुनिराज जो स्नान व्रत लेते हैं उनके ये शौच गुण प्राप्त होता है। इस प्रकार यह मुनिराज का स्नान नहीं करना एक मूल गुण है। जिनके न न्यून, अगला मूल गुण कहा है न दंत धोवन, अर्थात मुनिराज दांत को भी नहीं धोते। जिस प्रकार मुनिराज शरीर का स्नान नहीं करते, उसी प्रकार मुनिराज दंत को भी धोते नहीं है, दंत का दांत को साफ नहीं करते। उंगली आदि के द्वारा, किसी लकड़ी आदि के द्वारा, किसी मंजन आदि के द्वारा मुनिराज दांत को नहीं धोते। यद्यपि मुनिराज भोजन करने के बाद दांतों में किसी प्रकार का अन्न नहीं लगा हो, उसके लिए पानी आदि वस्तु का उपयोग करते हैं, परंतु वे मुनिराज प्रारंभ में, भोजन आदि के प्रारंभ में किसी प्रकार का दंत धावन नहीं करते। ये दंत धावन क्यों नहीं करते? एक तो दांतों को धोना दांतों की चमकदार बनाने के लिए होता है, लेकिन मुनिराज अपने शरीर को किसी प्रकार से चमकदार नहीं बनाना चाहते।
क्योंकि शरीर को चमकदार बनाने से अन्य जीवों का आकर्षण शरीर के प्रति उत्पन्न हो जाएगा, और शरीर के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना ये मुनिराज उत्तम नहीं मानते हैं, क्योंकि मुनिराज तो गुणों में पवित्रता, गुणों में आकर्षण उत्पन्न करना चाहते हैं। वास्तव में आकर्षण उत्पन्न होना चाहिए गुणों में, ना कि शरीर की शुद्धि में। और यही कारण है कि दांतों की आकर्षकता भी मुनिराज नहीं चाहते, और मुनिराज दांतों में लगे हुए मल को धोते नहीं। और दांतों के अंदर यदि सफाई की जाएगी, दंत धावन किया जाएगा, तो दांतों के अंतर्गत जो सूक्ष्म जीव आदि हैं उन जीवों की हिंसा से भी मुनिराज बच नहीं सकेंगे। यही कारण है कि मुनिराज अदंत धावन नाम का व्रत धारण करते हैं, अर्थात कभी भी किसी प्रकार से अपने दांत में लगे हुए मल को साफ नहीं करते हैं। यह मुनिराज का एक अद्वितीय और एक अद्भुत मूल गुण है। इसके अलावा अन्य भी अनेक मूल गुण हैं। न लेश अंबर आवरण, अर्थात मुनिराज किसी प्रकार का आवरण नहीं रखते, वस्त्र से, किसी पत्तों से अथवा अन्य किसी भी चीज से अपने शरीर को ढकते नहीं है। नग्नता ये मुनिराज का एक बहुत प्रमुख मूल गुण माना गया है। वास्तव में नग्नता मनुष्य का स्वाभाविक रूप है। बालक जब जन्म लेता है तब वह नग्न रूप में ही जन्म लेता है, तो यह नग्नता मुनिराज का एक मूल गुण है। क्योंकि यदि मुनिराज किसी भी प्रकार के वस्त्र आदि को धारण करेंगे तो वस्त्र को धारण करने पर उनके परिग्रह त्याग महाव्रत होना संभव नहीं हो सकेगा। परिग्रह किसी प्रकार का धारण करना वो परिग्रह त्याग महाव्रत में दूषण लगाता है, इसलिए मुनिराज वस्त्र के भी त्यागी होते हैं। और क्या क्या मुनिराज के मूल गुण होते हैं इसकी चर्चा कल हम विस्तार से करेंगे। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। पाठशाला सार। अवश्य करने योग्य कार्यों को आवश्यक कहते हैं। मुनिराज स्वयं के 6 आवश्यक को प्रतिदिन करते हैं। हम सभी श्रावकों को भी अपने देव पूजा 6 आवश्यक प्रतिदिन करना चाहिए।